Hello friends, welcome to Virtuous. SBI Clerk Pre 2018 की एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, एग्जाम्स की डेट आ चुकी हैं और इस साल जो चेंज सिनेरियो है जिसके अंदर आपको सेक्शनल टाइम अलॉट किया गया है, जिसमें आपके पास रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट होंगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 20 मिनट होंगी या और आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 20 मिनट होंगी, सबके लिए अलग अलग 20-20 मिनट दिए गए हैं। एक दूसरे के टाइम को एक दूसरे सेक्शन में आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस बदली हुई जो ये परिस्थितियां हैं, इनमें टाइम का ऑप्टिमम यूज कैसे करें बड़ा स्कोर करने के, तो आज का सेशन इसी पर बेस्ड। इसमें आपको क्वांट का जो सेक्शन है आपका, या न्यूमेरिकल एबिलिटी कुछ भी बोले आप, जो मैथ्स का पार्ट है आपका, उसमें जो 20 मिनट है उसका ऑप्टिमम यूज कैसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर विद मोर एक्यूरेसी, ताकि आपको ज्यादा मार्क्स सिक्योर आप कर पाए। पहले अपने क्या करते थे बच्चे की इंग्लिश वाले जो था टाइम, इंग्लिश वाले टाइम में से कुछ 6-7 मिनट 5 मिनट निकाल के और वो क्वांट में यूज कर लेते थे। अब की बार वो पॉसिबल नहीं होगा। इंग्लिश का 20 मिनट है वो इंग्लिश में ही यूज करना है। भले ही आप इंग्लिश का पेपर 10 मिनट में करें, 10 मिनट आप खाली रहें, या पूरा 20 मिनट यूज करें, ये आपका हेडेक। बट क्वांट के लिए आपको 20 ही मिनट मिलेंगे। 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, ऑप्टिमम यूज कैसे करें इसी पर आज डिस्कस। अपने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्या है। अर्लियर स्टूडेंट्स यूज टू स्पेंड 25-27 मिनट ऑन एन एवरेज on this section, but unfortunately that is not going to be case in this time. As SBI has already restricted the time to do this particular section to just 20 minutes, you really need to break your back in order to attain good or satisfactory marks in quantitative aptitude section. वही की 20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं। तो आप पे स्क्रीन पे देखिए जैसे टॉपिक्स हैं और उनका एक्सपेक्टेड जो वेटेज, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। हालांकि कुछ चेंज कर सकते हैं, बट अगर अपने एक्सपेक्टेशंस का देखें तो 10 क्वेश्चंस का है। नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक में से कोई भी वो दे सकते हैं। जनरली नंबर सीरीज देते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं देते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं दे सकते। 5 क्वेश्चन उसके देंगे। हो सकता है किसी स्लॉट में क्वाड्रेटिक आ जाए, किसी स्लॉट में नंबर सीरीज आ जाए। डीआई के 5 से 10, जनरली डीआई एक आती रही है, लेकिन डीआई का प्रचलन बढ़ रहा है, इसलिए अब की बार अपन दो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक से लेके दो डीआई, एक कम से कम आएगी आएगी, दो भी डीआई आ सकती हैं। और डीआई अगर एक उन्होंने बढ़ा दी तो मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं आपके, उसमें अगर डीआई दो आई तो 10 क्वेश्चन, और अगर एक आई तो 15 क्वेश्चन है, जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, पाइप एंड सिस्टर्न आ गया, पार्टनरशिप आ गया, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, एवरेज रेशियो, एजेज, प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो इन सब टॉपिक्स में से किसी से एक, किसी से दो क्वेश्चन लेके 10-15 क्वेश्चंस इसमें से बनने हैं। अब इसकी सीक्वेंस कैसे रखें, तो इसमें अगर उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, देन सबसे पहले आप जाइए क्वाड्रेटिक पे, क्योंकि वो शॉर्ट शॉर्ट है, टाइम भी नहीं लगेगा और आप बहुत जल्द उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पे जाइए, देन गो फॉर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, देन गो फॉर, अगर नंबर सीरीज है तो आप पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, एंड देन गो फॉर डीआई। हर डीआई में 5 में से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, हालांकि क्लर्क लेवल में बहुत कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं देते हैं, आप 5 के 5 भी उसमें से कर सकते हैं। अगर आपके डीआई आ गए 2, तो फिर आपके पास आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम फिर नहीं बचेगा। आप 2 डीआई अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक में से जो आया वो, तो 10 और 5 15 क्वेश्चन वो हो चुके। डीआई अगर 2 आ गई तो 15 और 10 25, उसके बाद बहुत कम टाइम आपके पास बचेगा। तो उसके लिए आप फिर जाएंगे मिसलेनियस में। अब मिसलेनियस में जो जिसमें आप स्ट्रोंग है, क्या आप 2-5 सेकेंड अगर किसी क्वेश्चन को देखने में लगा देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल जैसे एजेस पे क्वेश्चन है, रेशियोज पे है, प्रीवियस आफ्टर 2 रेशियो दिए हुए, आपको पता 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, तुरंत कीजिए उसको। अगर मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है
एक दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एटलीस्ट आते ही आते हैं और बहुत छोटे छोटे फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, आपको पता है 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है, तुरंत उनको अटेम्प्ट कीजिए। फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है जैसे सीआईए एंड एसआईए, अब उसमें कई बार तो बहुत छोटा आ जाता है, कई बार बहुत लेंथी आता है। अगर आपको ये लगता है कि फार्मूला बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आप उसको कीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस में भी वही चीज है, जैसे कई बार इसके ट्रेन और प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन 20-25 सेकंड का होता है, देन गो फॉर दैट। तो मिसलेनियस में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर 2-5 सेकंड किसी क्वेश्चन में लगते हैं तो लगा दीजिए उसको देखने में, और आपको लगे कि लेंथी है तो स्किप करो तुरंत, उसको अटेम्प्ट मत करो क्योंकि वो दो क्वेश्चन का टाइम खाने वाला। आप नीचे अगर देखेंगे जो डिटेल दिया है इसमें, दिस सेक्शन इज टू मैक्सिमम ऑफ योर हार्ड वर्क एज द क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस सेक्शन आर कैलकुलेटिव एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड यू विल हैव ओनली 20 मिनट्स फॉर ए टोटल ऑफ 35 क्वेश्चन। In the examination, attempt the questions on quadratic equation, simplification and approximation, number series first, as you would be able to solve the maximum number of questions within minimum time. वही है, सबसे पहले आप पे जिस टाइप के क्वेश्चन, अगर क्वाड्रेटिक आई है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पे जाइए, अगर क्वाड्रेटिक नहीं आई है तो पहले नंबर सीरीज में मत उलझिए, पहले आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कीजिए, देन गो फॉर नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में अगर कोई आपको ये लग रहा है कि ये मेरी की भी नहीं है इस टाइप की, या ये टाइम ले रही है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आपका बहुत क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद आप डीआई में जाइए। आफ्टर हैविंग अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चन इफिशिएंटली गो फॉर डीआई। इन एवरी डीआई 3 क्वेश्चंस आर ऑलवेज डूएबल एंड द रेस्ट 2 आर ए बिट ट्रिकी एंड कैलकुलेटिव, सो ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी। बट क्लर्क में कई बार पांचों के पांचों क्वेश्चन भी ठीक दे देते हैं, बट 3 तो होते ही होते हैं, 3 तो पीओ लेवल में भी होते हैं। अब आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर लिया, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक में जो आया वो कर लिया, डीआई अगर एक आई है तो वो कर लिया, अगर डीआई दूसरी है तो गो फॉर अनदर डीआई, और अगर डीआई एक ही आई है और 15 मिसलेनियस है, देन गो फॉर मिसलेनियस। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन अर्थमैट मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, एवरेज रेशियो, एज, टाइम विल बी रनिंग शॉर्ट, एंड इफ यू आर लेफ्ट with some, then attempt these question to in the end. But इनको miscellaneous questions को end में लीजिए। तो ये strategy आपकी रहनी चाहिए ताकि आप 25 से लेके 30 तक के question कर सकें, 25 से लेके 30 तक attempt करने की आप कोशिश कर सकते हैं। वो level बहुत ऐसा कोई नहीं आता है clerk level। ये था आज का session, आपको कैसा लगा? Comment section में जाके comment कीजिए। आपको अच्छा लगा हो और आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, प्लीज हमारे सेक्शन कमेंट सेक्शन में से कमेंट कीजिए, लिखिए, हम देंगे आपको। और एसबीआई क्लर्क प्री 2018 के जो रिमेनिंग जो आपके टॉपिक्स हैं रीजनिंग और इंग्लिश, उनके भी वीडियोज आपको देंगे कि उनकी स्ट्रेटजी आपकी कैसे रहनी चाहिए अटेम्प्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत मेहनत कर लेते हैं लेकिन आप अटेम्प्ट की क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, ये स्ट्रेटजी बना के आप नहीं गए, और वहां आपने अगर एक मिनट भी वेस्ट कर दिया, हो सकता है आप एक ही मार्क्स से रह जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस।